लखनऊ से बड़ी खबर, डिफेंस एक्सपो में आज निवेश का बॉन्ड। डिफेंस एक्सपो में 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ करार होंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी इस दौरान मौजूद रहेंगे। डीपीएसयू के सिवा निजी कंपनियों के भी करार होंगे, तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं डिफेंस एक्सपो से जुड़ी, जहां पर आज 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ करार होगा। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ आज करार होंगे, तो राजधानी में हो रहे देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में 16 से ज्यादा कंपनियों के रक्षा संबंधी करार आज होने जा रहे हैं। एएमयू और नए उत्पादों की लॉन्चिंग के लिए आयोजन स्थल वृंदावन पर बंधन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो आज 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ रक्षा संबंधी करार डिफेंस एक्सपो में, एमओयू और नए उत्पादों की लॉन्चिंग भी जो है वो यहां पर होगी, और इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो डीपीएसयू के अतिरिक्त निजी कंपनियों के भी करार यहां पर होंगे। ये कार्यक्रम उद्घाटन समारोह वाले स्थल पर जो है तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये एमओयू साइन होंगे। रूस और स्पेन संघ पनडुब्बिया भी मजगाव बनाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम दे रहे हैं, जहां पर राजधानी में हो रहे देश के सबसे अब तक बड़े डिफेंस एक्सपो में 16 से ज्यादा कंपनियों से रक्षा मंत्री संबंधी जो करार है वो साइन होंगे। एमओयू और नए उत्पादों की लॉन्चिंग के लिए आयोजन का भी जो यहाँ पर तैयारी कर ली गई है, और इस आयोजन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। इसके अलावा डीपीएसयू के अतिरिक्त निजी कंपनियों के भी करार होंगे। तो आपको बता दें कि 16 से ज्यादा कंपनियों से रक्षा संबंधी करार डिफेंस एक्सपो में निवेश पर आज करार होगा। ये ग्राफिक्स के जरिए एक नजर शांति सुरक्षा रक्षा के एमओयू पर, 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ ये एमओयू होगा। सीएम योगी और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में एमओयू साइन होंगे। तो रूस और स्पेन के साथ पनडुब्बियां मजगांव बनाएगा। तो स्कॉर्पियन क्लास की तो 751 पनडुब्बियां जो हैं वो बनाई जाएंगी। तो गोवा शिपयार्ड और बीईएल के बीच एमओयू होगा। तो डीपीएसयू अतिरिक्त निजी कंपनियों के भी करार यहां पर होंगे। गोवा शिपयार्ड की तरह से 5 से ज्यादा एमओयू यहां पर साइन होंगे। तो रूस के साथ 14 एमओयू पर करार हुआ है। तो एमओयू में स्पेयर पार्ट्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल किए गए हैं। तो मजगांव के निदेशक, शिप बिल्डिंग के रियर एडमिरल जो है वो भी यहां पर करार हुआ है। तो अफ्रीकी देशों के साथ शांति सुरक्षा और रक्षा सहमति, तो शांति सुरक्षा और रक्षा का एमओयू जो है वो यहां पर आज साइन होगा। तो 16 से ज्यादा कंपनियों से रक्षा संबंधी करार होंगे। तो 16 से ज्यादा कंपनियों के साथ रक्षा संबंधी करार होंगे डिफेंस एक्सपो में। ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो माना जा रहा है, और आज 16 से ज्यादा रक्षा संबंधी कंपनियों के साथ करार होने जा रहे हैं। सीएम योगी और राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, और उनका हम रुख कर लेते हैं। गगन, अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में आज 16 से ज्यादा रक्षा संबंधी कंपनियों के साथ करार होने वाले हैं। देखिए बिल्कुल 10:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसका नाम बंधन दिया गया है, यानी कि दो देशों के बीच में जो जोड़ होगा, जो एमओयू होगा, वो बंधन होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। ये जो एमओयू होना है वो खासकर रूस और स्पेन के साथ भारत का एमओयू होना है, जिसमें खास तौर पर एक ऐसी पनडुब्बी बनाने को लेकर एमओयू साइन होना है जो पानी में बारूद बिछाने का काम शुरू करता है, जिसमें जिसका नाम EI-75 स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगा, जो पानी में बारूद और मिसाइल्स तैनात करता है, बिछाता है, उसको लेकर एमओयू होना है। साथ ही साथ रूस और स्पेन के साथ भी कई ऐसे एमओयू होंगे जो साइन होंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री के मौजूदगी में। कुल मिलाकर 16 एमओयू साइन होने, इससे पहले भी कल की बात करें तो कल भी करीब 17 एमओयू साइन हुए थे, जिसमें
रूस के साथ एक ऐसा रूस ने हेलीकॉप्टर बनाया जो लाइट यूटिलिटी होगा और जो करीब 1 टन का भार उठा सकेगा, जो खासकर सियाचिन इलाकों में जब वायुसेना को कोई रेस्क्यू कार्यक्रम करना होता है, रेस्क्यू कोई अगर किसी का करना होता है या कोई सियाचिन में सामान पहुंचाना होता है तो उसके लिए जो पहले हेलीकॉप्टर हुआ करते थे भारत के पास जिसमें चीता या चेतक हुआ करता था, वो काफ़ी पुराना हो गया है क्योंकि काफ़ी 40-45 सालों से वो भारतीय फौज की सेवा कर रहा है। लेकिन अब रूस ने जो नया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया है वो अब भारतीय बेड़े में शामिल हो चुका है, उसको लेकर MOU साइन हो गया कि अब 111 तो रूस से आएंगे लेकिन उसके बाद जितना भी बेड़ा तैयार होगा वो भारत में तैनात होगा। साथ ही साथ जो आज MOU होगा वो मझगांव के कंपनी के साथ होगा कि मझगांव में जो स्पेन पनडुब्बी बनाता था वो मझगांव में बनेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब इन 16 से ज्यादा रक्षा संबंधी कंपनियों पर साइन सिम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होने जा रहे हैं। बेहद ही ऐतिहासिक दिन आज कहीं ना कहीं साबित होने वाला है। लेकिन जिस तरह से करार होंगे इसका मुख्य उद्देश्य किस तरह से माना जाए और कितनी जो देश की सेना है उसकी ताकत पड़ेगी इन MOU के साथ? देखिए बिल्कुल भारतीय सेना की ताकत तो बढ़ेगी क्योंकि जिस तरह से डिफेंस एक्सपो का आयोजन जिस मंशा के साथ किया गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर का इंतजाम कर लिया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि जितने से जितने ज़्यादा भारतीय कंपनियाँ जो उत्तर प्रदेश से बाहर की हैं या दुनिया भर की जो कंपनियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर अपना निवेश करें, उत्तर प्रदेश में कारखाने लगाएं जिससे यहाँ पर रक्षा उपकरण बना सकें, जिसमें भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा, साथ ही साथ जो भारतीय सेना है उसको जो मजबूत उपकरण मिलेंगे, मजबूत हथियार मिलेंगे वो काफ़ी सहायक होगा। इसी के चलते कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि हमारी मंशा है करीब 50,000 करोड़ का निवेश भारत में आए। उसी की पहल है कि लगातार MOU साइन हो रहे हैं डिफेंस एक्सपो में, और जैसे कल लगभग 17 MOU साइन हुए थे लेकिन आज जो महत्वपूर्ण MOU साइन होने हैं वो पनडुब्बी को लेकर होने हैं कि जिस तरह से भारत में पनडुब्बियाँ फिलहाल इतनी लार्ज स्केल पर नहीं बनते थे लेकिन अब जो रूस और स्पेन की टेक्नोलॉजी थी पनडुब्बे बनाने की अब वो भारत में बनेगी। हालांकि अभी आज मुंबई के माझगांव जो जहां पर फैक्ट्री है वहां के लिए MOU साइन हो रहा है, लेकिन यूपी सरकार की पहल होगी कि भारत ने खासकर उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है वहां पर विदेशी कंपनियां आकर अपने कारखाने लगाएं जिससे अब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हो, साथ ही साथ जो भारतीय सेना में बेड़े हथियारों के बेड़ा शामिल होना है वो भी उत्तर प्रदेश में ही बने जिससे काफी उत्तर प्रदेश का भी नाम हो कि उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग भारतीय सेना में शामिल है। फिलहाल क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है गगन, और कितने बजे ये करार होंगे, कब तक पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए करीब 10:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और ये 12:30 बजे तक चलेगा जिसमें करीब 16 MOU साइन होने हैं जिसमें खास तौर के स्पेन और रूस के जो MOU होंगे। 10:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और उसके बाद ये MOU का कार्यक्रम जो होगा वो शुरू होगा जो करीब 2 घंटे चलेगा यानी कि 12:30 बजे तक। उसके बाद अन्य कार्यक्रम शुरू होंगे जिसमें प्रदर्शनियां हैं, बाकी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज डिफेंस एक्सपो के लिए जो काफ़ी लार्ज स्केल में आज MOU साइन होने हैं जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अगर निगाह देखी जाए तो गोवा शिपयार्ड और BL में भी जो MOU है वो यहाँ पर होने जा रहा है जिस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए बिल्कुल, चाहे वो मझगांव की बात करें चाहे वो गोवा शिपयार्ड की बात करें, क्योंकि इससे पहले जो पनडुब्बियाँ बनती थी वो भारत में बहुत कम बना करती थी और खासकर मझगांव में बनती थी, लेकिन जिस तरह से रूस और स्पेन की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कई देशों ने उसको अपनाया है, भारत भी अपनाने की आज शुरुआत कर देगा क्योंकि जो रूस की टेक्नोलॉजी है वो जो पनडुब्बियाँ जो रूस बनाता है और स्पेन बनाता है वो पानी के अंदर यानी समुद्र में जब पनडुब्बियाँ चलती हैं तो पानी के अंदर किस तरह से एंटी मिसाइल तैनात की जाती हैं या जो बारूदी सुरंग होती है वो कैसे बनाई जाती हैं और उसको लेकर स्पेन के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, उसी को अपनाने की कवायद कर रहा है भारत सरकार और कोशिश की जा रही है कि जो MOU साइन हो उसके बाद भारत में उसका निर्माण शुरू हो और उसके बाद जो मजबूती भारतीय सेना और खासकर जल सेना की जो मजबूती बढ़ेगी इस MOU के बाद वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि रूस और अगर स्पेन की टेक्नोलॉजी भारत सरकार आज MOU के बाद अपनाता है
तो उसके बाद जल सेना काफी मजबूत होगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ ही डिफेंस एक्सपो लगाया गया गगन, क्या अगर वहां पर मौजूद कंपनियों की बात करें, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, उनमें कितना उत्साह दिखाई दे रहा है इस एमओयू को लेकर? देखिए, डिफेंस एक्सपो का मंशा ही यही है कि जो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है वो एक ही एक जगह इकट्ठा हो, कम से कम भारत सेना देख सके कि विदेशी टेक्नोलॉजी क्या है, और साथ ही साथ हमारी भारत की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें करीब 800 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, विदेशी टेक्नोलॉजी भी अपनाए, हमारी भारत की टेक्नोलॉजी अपना सके, साथ ही साथ भारत जो चाहता है, भारत जो अपनी सेना को मजबूत करना चाहता है, उसको टेक्नोलॉजी कौन सी प्रयोग की जाए या उसको अपनाई जाए, उसको लेकर भी सभी विदेशी कंपनियां, करीब 150 कंपनियां, विदेशी कंपनियां यहां पर आई हैं। तो जो डिफेंस एक्सपो की मंशा थी कि भारतीय सेना को मजबूत किया जाए, उत्तर प्रदेश में निवेश आ सके, जो डिफेंस कॉरिडोर जिस मंशा से बनाया गया था वो मंशा पूरी हो सके, साथ ही साथ जो निवेश आना है उत्तर प्रदेश में, खासकर भारत में, वो कैसे मजबूत हो सके, वो कैसे हो, उसको मंशा जो थी वो प्रधानमंत्री मोदी ने जब डिफेंस एक्सपो का आगाज किया था तभी अपनी जाहिर कर दी थी कि अब भारत में निवेश की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसीलिए विदेशी कंपनियां आकर भारत में निवेश करें, और खासकर उत्तर प्रदेश की जितनी जो छवि पिछले 5-4 सालों में बदली है, कानून व्यवस्था को लेकर या जो जमीनी विवाद था उसको लेकर, अब वो खत्म। और कहीं ना कहीं ये डिफेंस एक्सपो जिस उद्देश्य के साथ लाया गया गगन, उसमें कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। शायद यही वजह है कि आज 16 से ज्यादा एमओयू रक्षा संबंधी कंपनियों के साथ होने जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि राजधानी में हो रहे सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में आज 16 से ज्यादा रक्षा संबंधी कंपनियों के साथ करार होने हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये करार होंगे। और जिस उद्देश्य के साथ इस डिफेंस एक्सपो को लगाया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होता दिख रहा है।